दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके एजुकेटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो काफ़ी दिनों से छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति और फीस वापसी नहीं आ रही है, चाहे किस भी कैटेगरी के हों आप, जनरल, OBC, SC, माइनॉरिटी, ठीक है। तो जनरल SC माइनॉरिटी की बात करेंगे कि उनकी स्कॉलरशिप जो बहुत दिन से रुकी हुई है, लगभग जनवरी से नहीं आई है उसके बाद से, तो वो कब से आना स्टार्ट हो जाएगी दोबारा जिन छात्रों की अभी तक नहीं आई है, और क्या सेकेंड इंस्टॉलमेंट आ सकती है, ये बात करेंगे। साथ ही OBC के लिए बात करेंगे कि जो बजट 175.37 करोड़ का पास हुआ था, तो वो किस दिन से उनके खातों में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करिए UP स्कॉलरशिप से जुड़े किसी भी छोटे या बड़े अपडेट के लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो किस दिन से स्कॉलरशिप आप लोगों की आना स्टार्ट हो जाएगी दोबारा, यह जानने के लिए आपको जाना है अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पर, और यहाँ पर आपको टाइप करना है latestjobforyou.com, जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, और ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर पाएंगे। तो इस तरह जब क्लिक कर देंगे सर्च करके, तो कुछ इस तरह की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी latestjobforyou.com की। इस तरह की जब वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाए, तब आपको नीचे जाते हुए यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ जाएगा UP स्कॉलरशिप चेक बैंक का, उस पर कर देंगे आप क्लिक। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर और नीचे सबसे नीचे जब जाएंगे, यहाँ पर बहुत ढेर सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, UP स्कॉलरशिप के सारी अपडेट मिल जाती है, वो भी सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे नीचे आपको जाना है, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट नज़र आएगी, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह की कुछ ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपको नीचे जाना है और न्यू टाइम टेबल देखिए, यहाँ पर जो आई है सबसे लेटेस्ट 29 जनवरी को, उसको आपको कर लेना है ओपन। तो जैसे ये डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए पूरा आपके सामने यहाँ पर समय सारणी ओपन हो जाएगी। तो आपको नीचे चले जाना है और यहाँ से आपको देखिए मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए सारी डिटेल दी गई है। ये डिटेल केवल बता दूँ मैं, जनरल SC ST और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए है, OBC वालों की इसमें कोई न्यूज़ नहीं है। उसके लिए हम अलग से बताएंगे कि जो उनका बजट पास हुआ था वो किस दिन से आना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जो जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर NIC की राज्य इकाई से मांग सृजित कराई जाएगी, वो 5 मार्च तक कराई जाएगी, ठीक है। और जनपद 5 मार्च के बाद से आपकी स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 5 मार्च से स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं। और देखिए 20 मार्च 2020 तक सभी छात्रों की स्कॉलरशिप आ जानी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लिखा भी गया नीचे कि उपरोक्त समय सारणी के अनुसार वर्ष 2019-20 सत्र के भरे गए आवेदन पत्रों का वरीयता क्रम छात्रवृत्ति नियमावली दिनांक 30/1/2019 निर्धारित किया जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई, तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो आपकी स्कॉलरशिप है वो 5 मार्च के बाद से स्कॉलरशिप आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनकी अभी तक नहीं आई है वो परेशान ना हो। और रही बात OBC के छात्रों की, तो OBC छात्रों की अगर बात करें तो उनका बजट पास हो गया है 175.37 करोड़ का। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर क्या पता कहीं न्यूज नहीं है, पास हुआ है, नहीं तो 100% आपका बजट पास हुआ है। हाँ, वो अभी आपके खातों में आना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वो एक निश्चित कार्रवाई होती है, शासन से पहले बजट मिलता है पिछड़ा और कल्याण विभाग को, फिर वो अपनी पूरी जो वरीयता क्रम है वो सारा चीज़ें तैयार करके वो ये देखेंगे कि कितने परसेंट तक वालों को फीस वापसी की जा सकती है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद बहुत जल्द आप लोगों की भी फीस वापसी हो जाएगी, और ये भी आप लोगों का भी जो है वो 20 मार्च के पहले पहले सब हो जाना है। जैसे कि जनरल SC और माइनॉरिटी में 5 मार्च से शुरू हो जाएगा, 20 तक सबकी आ जाएगी, वैसे ही आपका भी होना है कि 20 मार्च से पहले OBC के छात्रों की भी वो फीस वापसी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।